लोग करने वाले पेंटिंग, ये कैनवास और आज हम लोग पेंटिंग करेगा आज हम तीनों बटरफ्लाई का। हाँ बटरफ्लाई का, आप लोग को भी बहुत मजा आएगा। तो चलिए चैनल करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओह माय गॉड, प्यारू बाबू मेरा। चलो सबसे पहले मैं बटरफ्लाई को कैनवास पर ड्रॉ कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी दिनों से कुछ पेंट नहीं किया था, आज भी कुछ खास करने का मन नहीं था, पर बहुत लोग कह रहे थे कि कुछ पेंट नहीं करी तो आजकल तो सबको देखने का मन था। थैंक यू सो मच कि आप लोग देखना चाहते हैं मेरे वीडियोस उसके लिए। और आज मैंने डिसाइड किया कि हम कुछ पेंट करेंगे, तो ये कैनवास में कुछ दिन से मंगवा कर रखी थी, लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं इजीली मिल नहीं पा रहा, पर ये बड़ी मुश्किल से मिला है। बहुत दिन पहले ऑर्डर दिया था तब जाके आया, और जो चाहिए था एग्जैक्टली वो भी नहीं आया। मुझे रेक्टेंगल शेप के लंबे लंबे चाहिए थे जो मैं जिगजैग लगा सकूं और कुछ कर सकूं, पर नहीं मिला। तो ये सेम साइज का मिला है जिसमें मैंने पहले भी मधुबनी पेंटिंग बनाया था। अरे वाह, तुझे कैसे पता? तो वो वाली पेंटिंग बनाई थी, तो बाद में आपको दिखा दूंगी। और मैंने सोचा कि इस बार इन दोनों के साथ कर लेती हूँ, कि ये दोनों जब से कैनवास आया दोनों पीछे पड़े हैं कि मैं भी पेंटिंग करूंगा, मुझे दे दे। ये लोग दोनों बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं, ये दोनों बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। मैं आप सबको इन दोनों की पेंटिंग ड्राइंग्स दिखाऊंगी जो ये लोग करते हैं, ये लोगों ने सब मुझसे तो सीखा है। तो चलिए आज हम तीनों मिलकर इसको पेंट करेंगे, और ये मुझे पता है कि बहुत अच्छा बनने वाला है क्योंकि ये दोनों मेरे साथ करने वाले हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो आप भी देखते जाए। तो अब यहाँ मैं अपना बैकग्राउंड पहले रेडी कर लेती हूँ, फिर इन सबके साथ मिलके पेंट करेंगे। और देखिए दोनों कैसे हाथ में ब्रश लिए बैठे हैं इंतज़ार में कि कब दीदी हमसे कहेगी पेंट करो। पर देखिए परमिशन देते ही इन दोनों ने गड़बड़ कर दी, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। तो मैंने इन दोनों कहा कि तुम दोनों रुक जाओ, पहले मुझे पेंट कर लेने दो, बैकग्राउंड रेडी कर लेने दो, फिर तुम लोग करना। अब बैकग्राउंड रेडी हो गया, पर हम उसका सूखने का वेट कर रहे हैं। तो ये ऐसे फैन के नीचे लिए कब से वेट कर रहा है कि कब सूखेगा, और ये यहाँ बैठा है। और अब आई एक नई मुसीबत, पेंट करते वक्त मुझे पता चला कि मेरा तो व्हाइट कलर ही खत्म हो चुका है। तो अब जैसे तैसे मैं कलर्स मैनेज कर रही थी। देखिए मुझे लाइट ग्रीन चाहिए था, स्काई ब्लू चाहिए था, पर मैं कुछ बना ही नहीं पा रही थी, तो मैंने यहाँ पे जुगाड़ किया क्रीम कलर, स्किन कलर जो मैंने बैकग्राउंड में यूज किया था वही मैंने ब्लू में मिक्स कर दिया व्हाइट की तरह, और थोड़ा सा तो लाइट हो गया था ये ब्लू। देखिए कितना स्काई ब्लू जैसा तो लग ही रहा है ऑलमोस्ट। तो अगर आप सब ने नोटिस किया होगा तो मेरे जितने भी पेंटिंग्स हैं अब तक के सारे डार्क थीम पे ही हैं। तो इस बार मुझे कुछ कलरफुल चाहिए था मेरे वॉल पर, इसलिए मैंने सोचा इस बार जो बटरफ्लाई हम बनाएंगे वो पूरा कलरफुल होगा, सारे कलर्स का मिक्सचर। और यहाँ मैं उनके हाथ पकड़कर इस तरह से पेंटिंग करवा रही हूँ क्योंकि मुझे उनका इसमें पार्टिसिपेट चाहिए था, ताकि एक मेमोरी की तरह हमारे साथ रहे, इसलिए मैं इस पेंटिंग में उनके साथ मिलकर कर रही हूँ। देखिए दर्श ने मुझे बड़े प्यार से पूछा कि दीदी मैं बटरफ्लाई की बॉडी पेंट कर दूं, तो मैंने उसे परमिशन दे दी, और देखिए उसने गड़बड़ कर दी। फिर मैं उसे सुधार रही हूँ, अब क्या कर सकते हैं। Thank you.
और आप देख रहे हैं ना कैसे मैं बारी बारी से दोनों का हाथ पकड़ पकड़ के पेंट करवा रही हूँ। जिनके घर में दो बच्चे होंगे ना वो ये समझ सकते हैं। गाइज अगर वाइट होता ना तो ये और भी सुंदर दिखता। वाइट ना होने की वजह से मुझे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, फिर भी काफ़ी हद तक ठीक तो दिख रहा है, पर एक वाइट से जो इसका लुक आता ना वो बहुत अलग आता। पर कोई बात नहीं, ठीक है ये भी। और अब मुझे लगा कि इनका ध्यान नहीं है तो चलो फटाफट मैं बैकग्राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, पर ये फिर से आ गया। इसमें ना सबसे ज़्यादा टाइम हमें ब्लेंडिंग को देना होता है। ब्लेंडिंग हम जितना ज़्यादा आराम से जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे हमारा पेंटिंग उतना ही नेचुरल उतना ही खूबसूरत दिखेगा। तो ब्लेंडिंग में कोई कंजूसी नहीं कीजिए, टाइम भर के दीजिए। बस यही मुझे लग रहा है कि मैंने ये गड़बड़ कर दिया, क्योंकि फिंगर से करना तो था पर इतना ज़्यादा नहीं करना था मुझे, और इनके साथ करने में इतना मज़ा आ रहा था कि मस्ती में ध्यान ही नहीं रहा, और ये सब इतना ज़्यादा हो गया तो मुझे थोड़ा सा ओवर लग रहा है और कुछ नहीं। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दीदी ने कुछ भी नहीं किया। ये तो ये पेंटिंग हम तीनों ने बनाई है मिलकर, पहली बार हम तीनों ने मिलकर बनाई है कोई पेंटिंग, तो ये एक मेमोरी की तरह रहेगा हमारे पास, और ये अभी ऊपर वॉल पे लग जाएगा कुछ दिन बाद। तो बहुत सारे कलर्स नहीं थे मेरे पास, आप लोगों को पता है मिसिंग थे, और मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरे कलर्स खत्म हो गए हैं, मुझे नए लेने पड़ेंगे और भी। तो उस जितने में भी किया है ये काफी अच्छा बना है, मजा आया करने में। बहुत मजा आया ना। किसी सबसे मैंने किया है तो वो कितना गंदा है, और मेरा हाथ नहीं, तो मैंने मेहनत ही नहीं किया है। मैंने भी किया है, मैं थोड़ा सा मैं हाथ धो लिया। दर्श ने पूरे कलर साफ किए, इसमें दर्श का हाथ साफ हो गया है। मैंने तो, अब मैं थोड़ी छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, मेरे हाथ थोड़े गंदे होंगे। ये तो सिर्फ कलर से खेल रहा था, इसलिए सारा इसने कलर अपने हाथ में लगा लिया, मैंने ज्यादा मेहनत किया है। चलो लाइक करो शेयर करो बोल दो, दर्श आजम बोलो लाइक करो शेयर करो। अगर आपको हमारा पेंटिंग अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।